श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स। अगर आपके पेट में अल्सर है या अल्सर की बीमारी है तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से पेट की आंतों में खासकर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब जीआई ट्रैक्ट में सूजन आ सकती है। फिर अगर आपको सर्जरी वगैरह होने वाली है तो अश्वगंधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कार्य क्षमता में कमी लाती है। एलोपैथी चिकित्सकों के अनुसार सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की जो दवा है एनेस्थीसिया देने के दौरान अगर रक्त में अश्वगंधा रहे तो यह नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकता है, इसलिए सर्जरी के 2 हफ्ते पहले तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं या कोई भी गर्भवती है तो उसे अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे गर्भपात हो सकता है। फिर अगर आपको थायराइड है तो इसके सेवन से थायराइड हार्मोन के स्राव तेजी से होने लगते हैं। जिसे थायराइड की बीमारी है उसे अश्वगंधा का सेवन से परहेज करना चाहिए। यह एक तरह का सेडेटिव है। वैसी दवा जिसके सेवन से नींद और नशा होता हो उसे सेडेटिव ड्रग कहते हैं। जो सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर सेडेटिव ड्रग के साथ अश्वगंधा लेंगे तो ज्यादा नींद आएगी और नशे की शिकायत हो सकती है, क्योंकि अश्वगंधा में पहले से ही सेडेटिव के गुण मौजूद होते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।